नमस्कार, दी वॉइस दोपहर 3:15 के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं खबरें पूजा जांगिड से। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में विमान समेत पायलट लापता। पाक ने कहा, 2 भारतीय पायलट हिरासत में। JCRC यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया मेडिकल कैंप। 1 मार्च को आयोजित होगा मन की बात का 3रा एडिशन। जर्नलिज्म स्टूडेंट्स ने पब्लिश की एक और नई किताब। बॉलीवुड फिल्म लुका छिपी का ट्रेलर रिव्यू। अब खबरें विस्तार से। बीते 26 फरवरी को भारत की ओर से पाकिस्तान क्षेत्र में किए गए एयर स्ट्राइक के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से बुधवार को कहा गया कि पाकिस्तान ने भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए अपनी वायुसेना का इस्तेमाल किया है, लेकिन उनके प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया है। हालांकि इस अभियान में एक भारतीय पायलट MiG-21 विमान के साथ लापता हो गया है। उधर पाकिस्तान ने 2 भारतीय पायलटों को हिरासत में लिए जाने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना ने 46 सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक शख्स की आंखों पर पट्टी बंधी है और वह दावा कर रहा है कि वह भारतीय वायुसेना का विंग कमांडर अभिनंदन है। What is your name? Wing Commander Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record, and I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from his soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, 1 Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost 1 MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. JCRC University और Healthy Smile Group Society के संयुक्त तत्वाधान में 2रा मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप में स्पेशलिस्ट डॉक्टर कान, नाक, हृदय, नेत्र इत्यादि से जुड़ी बीमारियों का इलाज किया गया। लगभग 500 मरीजों का निशुल्क इलाज किया गया और दवाइयां वितरित की गई। आई एम डॉक्टर तरुण, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। देखिए, जेनरिक दवाइयाँ अच्छी चीज़ होती हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रावधान होते हैं। जैसे कि ये कि गवर्नमेंट निःशुल्क दवाएँ देती हैं, वो अच्छा है, लोगों की हेल्प होती है, बट कई बार क्या होता है, बहुत दवाइयाँ उसमें नहीं मिल पाती हैं। जो दवाइयाँ हम लोग इम्पोर्ट करते हैं US से या बाहर कंपनी से, हम वो नहीं रख पाते। जो दवाइयाँ यहाँ बनती हैं, मोस्टली वो जेनरिक में बेच पाते हैं। दूसरा होता है, कई बार दवाइयाँ ख़राब कंपनी की होती हैं, बहुत ही जो कंपनियाँ रजिस्टर्ड नहीं है उनकी होती हैं, तो लोग जेनरिक नाम पे सस्ते में बेच देते हैं। तो हमको ध्यान रखना कि वो दवाइयाँ हार्म भी कर सकती हैं, या अगर उनकी डेट्स प्रॉपर नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर नहीं है। तो देखिए, आजकल लोग ये सोचते हैं कि जो फ्री में इलाज हो रहा है वो शायद सही नहीं है, या उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अगर अच्छे मेडिकल कैंप्स हो रहे हैं तो उससे जागरूकता बढ़ती है, हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती है, और लोगों को उसमें आना चाहिए अगर उनके एरिया में हो रहे हैं तो। बाकी जो भी भ्रम है, जो भी भ्रांति है, वो दूर करनी चाहिए। अगर वो चाहें तो वो चेक कर सकते हैं कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ डॉक्टर्स कौन हैं, कहाँ से वो संबंधित हैं, कौन से हॉस्पिटल से हैं, उसके बाद वो चेक सब करके फिर आ सकते हैं। स्कूल ऑफ लॉ 1 मार्च को मन की बात का 3रा एडिशन आयोजित करने जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर ने बात की लॉ की HOD नमिता जैन से। इस बार फिर से स्कूल ऑफ लॉ 3rd एडिशन के साथ में आ रहा है मन की बात। मन की बात एक ओपन प्लेटफॉर्म है सभी बच्चों के लिए कि वो आएं और अपने मन की बात सभी के सामने रखें। ये वो स्टेज है जहां पर ना लैंग्वेज बैरियर है, ना सेक्स बैरियर है, ना कास्ट बैरियर है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 3rd एडिशन जो है वो स्पेशल एक्ट पे आया है, आर्म फोर्सेज स्पेशल एक्ट
अफसा, कश्मीर की जो अभी सिचुएशन है वहाँ पे ये लॉ अभी इन्फोर्स में लिया आया है, लेकर के आ गए हैं कि अगर किसी को कोई शक भी होता है किसी पर्सन पे तो आप उसको अरेस्ट कर लें और उससे पूरी इंक्वायरी करें, अगर लगता है तो उसको डिटेन करके रखें, नहीं उसको छोड़ दें। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक्ट बिल्कुल सही है, कुछ लोगों का कहना है कि ये मानवाधिकार के अगेंस्ट है। यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कल सेमिनार हॉल 1 बजे मन की बात में आप सब लोग आएं और अपने व्यूज शेयर करें। और आगे आप सुनेंगे बॉलीवुड फिल्म लुका छिपी का ट्रेलर रिव्यू। डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म के विद्यार्थियों ने पंडित अमनदीप के साथ मिलकर एक फोटो बुक प्रकाशित की है। स्नैपशॉट नाम की इस किताब में श्रेय जैन, स्तुति बाफना और आयुषी गोयल ने डिजाइन, कैप्शन और फोटो एडिटिंग पर काम किया है। आई एम श्रेय जैन फ्रॉम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट फर्स्ट ईयर। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरी पहली किताब आ चुकी है, उस किताब का नाम स्नैपशॉट है। वो किताब पिक्चर से रिलेटेड है जिसमें कुछ मेरी भी पिक्चर्स क्लिक की हुई है और कुछ लोगों की भी है। बड़ा अच्छा लगा कि अपना पहला एक्सपीरियंस, पहली किताब कुछ इस तरह से निकली है। काफी इंतजार करना पड़ा, काफी मेहनत लगी, लेकिन आज फाइनली ये किताब आ चुकी है। और आगे आप सुनेंगे बॉलीवुड फिल्म लुका छिपी का ट्रेलर रिव्यू। एक काम करते हैं, हमें ना लिव इन करना चाहिए। ये बात कहां से आ गई शादी के बीच में? जे शादी के बीच में नहीं, शादी से पहले आता है। हमें भी ट्राई करना चाहिए ना, आजकल तो सब लोग कर रहे हैं। लुका छुपी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है। पहली नजर में ये एक मनोरंजन फैमिली ड्रामा फिल्म नजर आ रही थी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और कृति सेनन मुख्य भूमिकाओं में हैं। उनके साथ पंकज त्रिपाठी, विनय पाठक और अपार शक्ति खुराना जैसे सितारे नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा पर बेस्ड इस फिल्म में लिव इन रिलेशनशिप विद फैमिली के अनूठे कॉन्सेप्ट को दिखाया जाएगा। ट्रेलर में दिखाया गया है कि गुड्डू नामक का एक शख्स रणवीर, दीपिका, निक, प्रियंका और विराट अनुष्का की शादी हो जाने के बाद शादी का फैसला करता है, लेकिन कार्तिक की लव इंटरेस्ट यानी रश्मि उसे पहले लिव इन में रहने की सलाह देती है। हालांकि एक शख्स की सलाह के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बिना शादी किए एक मैरिड कपल की तरह रहने लगते हैं। इस दौरान तमाम अटपटे परिस्थितियों की वजह से ह्यूमर क्रिएट किया गया है। नमस्कार, आप सुन रहे थे द वॉइस का 44वां अंक। जल्द हाजिर होंगे द वॉइस के 45वें अंक के साथ।